इधर खंडवा में जहां सिंघाजी ताप विद्युत परियोजना के दूसरे फेज के डीएम प्लांट में ऑपरेटर की डूबने से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान हुए इस हादसे के बाद यहां हंगामे की स्थिति बन गई। आक्रोशित भीड़ ने परियोजना के आला अधिकारियों से धक्का मुक्की की, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने हड़ताल की और परियोजना में बिजली उत्पादन भी पूरी तरह से ठप हो गया। विधायक नारायण पटेल की पहल पर दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। बैठक में मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि, बीमा और राहत मिलाकर करीब 14 लाख रूपये देने के साथ मृतक के भाई को नौकरी देने की सहमति के बाद हंगामा शांत हुआ। परियोजना में हुए हंगामे को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामवासियों के द्वारा मुआवजे की मांग की गई, उसी दौरान प्रबंधन के जो अभियंता और ग्रामीणों के बीच में कुछ मारपीट की घटना हुई है, इसको लेकर के अभियंता संघ की ओर से थाना मुंडी में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है। 4 लोगों को चोर होना बता रहे हैं, जिनको एमएलसी के लिए भेजा गया है और एमएलसी के पश्चात जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा।